अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साजिदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम बफ फस्टिंग की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारा सिंगल कपड़ा था, ये देखिए इसको हमने इस तरह से डबल कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम जहाँ से हमारा फोल्ड वाला हिस्सा है वहाँ से हम 5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे और उसके बाद में 5 इंच पर एक और निशान लगा कर लेंगे। अब यहाँ से हम अपनी आस्तीन की चौड़ाई लगाएंगे, जहाँ से हमने 5 इंच पर एक निशान लगाए थे बस वहीं पर हम अपनी आस्तीन की इस तरह से चौड़ाई लगा कर ले लेंगे। तो ये देखिए ये 9 इंच है, 9 इंच पर हमने एक निशान लगा लिए हैं और दूसरी बार हमने 5 इंच पे एक और निशान लगाए थे बस वहां पर भी हम इसी तरह से एक लाइन खींच कर ले लेंगे। तो ये हमारी आस्तीन की चौड़ाई वाला हिस्सा है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 इंच पर एक निशान लगा देंगे और फिर ये सेकेंड 5 इंच वाले निशान के लास्ट हिस्से पर इस तरह से हम क्रॉस में लाइन खींच लेंगे। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का आधा कर लेना है, फिर इस आधे का भी हमें इस तरह से आधा कर लेना है। सेम निशान हमें यहाँ पर भी लगाना है, यानी इस क्रॉस पट्टी पर हमारे 3 पॉइंट आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, आधा इंच नीचे की साइड और आधा इंच ऊपर की साइड लेना है और फिर इस तरह से सर्कल बनाना है जिस तरह से हम नॉर्मल आस्तीन में बनाते हैं। अब हमें इसका नाप लेना है कितना है, तो ये 5 इंच आ रहा है तो सेम 5 इंच हम ऊपर भी निशान लगा लेंगे और इन दोनों को इस तरह से एक सीधी लाइन खींच कर लेंगे और यहां से हम हल्का सा क्रॉस करके राउंड शेप में निशान लगा कर लेंगे। ये हमारे ऊपर के हिस्से का मेग्राम बन चुका है। अब हम अपनी आस्तीन की लंबाई लगाएंगे, जहां से हमने स्टार्ट किए थे 5 इंच पर एक निशान लगाए थे बस उसी के पास से हम अपनी आस्तीन की लंबाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मेरी आस्तीन की जो लंबाई है वो 10 इंच है, 1 इंच मार्जिन का लेंगे तो 11 इंच हो गई है और यहाँ से हम अपनी आस्तीन की गोलाई लगा देंगे 6.5 इंच पर और फिर इसी गोलाई को इस तरह से इससे मिला लेंगे। अब इसकी हम कटिंग करके लेंगे। ये देखिए दोस्तों, एक आस्तीन हमारी कट चुकी है। अब इसी तरह से हम अपनी दूसरी आस्तीन की कटिंग करके लेंगे। हम दूसरे कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके ये देखिए, ये जो हमने 5 इंच पे एक निशान लगाए थे बस वहां पर हमें कट लगा कर लेना है क्योंकि जो चून होगी हमारी ये 5 इंच तक ही आएगी। ये देखिए दोस्तों, हमारी दोनों आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करके लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने 2 कट लगाए थे कटिंग के वक्त, बस इन दोनों कट के दरमियान ही हमें चून लेना है। तो चून हम किस तरह से लेंगे, इस तरह की या कोई भी बारीक सुई या टाचनी वगैरह भी आप ले सकते हैं और फिर घोड़े को इस तरह से उठाकर इसके अंदर इस तरह से सुई को रखें। और ये देखिए, ये हमारा वी कट था। अब इसी वी कट से हमें सिलाई करते हुए चले जाना है। ये हमारा दूसरा वी कट आ चुका है। बिना टाचनी की मदद से हमने मशीन के जरिए ही इतनी अच्छी सी चून बना लिए हैं। हमारी चुन्नटें तैयार हो चुकी हैं। अब इसके नीचे हम फोल्ड करके लेंगे इस तरह से, जिस तरह से हम नॉर्मल आस्तीन में मोड़ कर लेते हैं। आस्तीन के नीचे का हिस्सा भी मोड़ कर ले लिए हैं। अब हम आस्तीन अटैच करके लेते हैं। तो ये देखिए, जिस तरह से हम नॉर्मल आस्तीन अटैच करते हैं उसी तरह से बिल्कुल कर लेंगे हम। ये देखिए दोस्तों, हमारी आस्तीन अटैच हो चुकी है, बड़ी खूबसूरती बफ्स बना है इसका। अब हम साइड ज्वाइन करके लेंगे।
ये देखिए दोस्तों, हमारी बफ वाली आस्तीन तैयार हो चुकी है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।